हे व्हाट्स अप गाइस, हम है आपके जुड़वाज सुशांत निशांत। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धा। सॉरी गाइस, थोड़ा ना अपन थोड़ा बिजी थे ना इधर उधर। आप जो भी इंस्टाग्राम में उनको अच्छे से अपडेट मिल जाती है सब कुछ कि हम कहाँ पे है क्या, क्योंकि वहाँ पे हम अपडेट बराबर करते रहते, इसलिए बोलते कि यार इंस्टाग्राम में भी फॉलो करो तो आपको पता चलेगा कि वीडियो लेट क्यों हो रहा है, ये चैनल पे वीडियो लेट हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। बराबर, क्योंकि मतलब ये नहीं मिल रहा था उतना, समझ रहे हो ना। बट नहीं, बैक टू आपको बताए, थोड़ा सा ब्रेक लेते फिर बैक टू बैक आ जाते, तो बैक टू बैक देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो गाइस, जैसे सपोर्ट है ना, जैसे आपका सपोर्ट है ना, बस अपन बैक टू बैक, आप बस सपोर्ट करो हमारी अच्छी वाइब में भी, बुरी वाइब में भी सपोर्ट करो, अच्छा रहेगा। जैसे आ गई ये चैनल के लेवल रोस्टिंग, भाई रोस्टिंग फनीएस्ट सॉन्ग विद टोनी कक्कर, ऐसा डायरेक्ट ट्रिगर ने डाल दिया। मतलब चलो यार, चलो अच्छा कंटेंट मिल गया, देखते मजा आता है। म्यूजिकली भी होगा शायद, तो देखते बॉलीवुड सॉन्ग लिरिक्स ऐसा बोल रहा है तो म्यूजिकली है, तो मैं बोला सचो यार, सोचो। चलो हम लोग देखते हैं, तो सीधा वीडियो पे आते हैं। आपका काम यही है कि नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना। ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो और ऐसे ही सजेशन देते रहो क्या मांगता है क्या नहीं। और नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बड़ा ही ढीला सब्सक्राइब करते हो, जरूरी है, जरूरी है। उस ट्रिगर भाई देखा का मेरा चैनल हंसेगा, अरे क्या इतनों से सब्सक्राइबर बड़ा हो है कि नहीं, और क्या इधर 20 मिलियन पहुंच रहे ना भाई। हाँ, है ना। चलो आते हैं वीडियो पे, फिर बाद में बात करते हैं। युद्ध के खतरे की घड़ी नजदीक आ रही थी, विश्व को दुख और भय ने झकझोर लिया था। काली घटाएं चारों ओर बह रही थी और हर जगह बस हाहाकार मच रखा था। दुनिया में वर्ल्ड वॉर बस होने ही वाली थी कि अचानक एक गीत जिसके शब्द, जिसके सुर, जिसके स्वर कोटि कोटि हिंदुस्तानियों की रगों में, दिलों में, दिमाग में जगह बना चुके। विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी थी ये दुनिया, लेकिन तभी एक गीत आया, एक ऐसा गीत जिसने चारों ओर सुख शांति और अमन फैला दिया। हर कोई ये गीत गुनगुनाने लगा। Everybody was like, oh my god, this song is chumeshwari and we want only friendship, friendship and friendship. Everybody sing this song. निश्चय निश्चय निश्चय, बस बस बस, अरे यार कितना नाचेगा, रुक जा यार भाई। अरे टोनी भैया, आप भी नाचो, फ्यूचर गाने का कंटेंट। बाय द वे, टोनी भाई के भी ऐसे ही गाने होते हैं लिरिकली, अगर देखा जाए तो। नंबर लिख के 9797 उसे ऑटोमेटिक। आई रिस्पेक्ट हिज सक्सेस यार। हां मैन, पूरे कक्कड़ फैमिली का सक्सेस मेरे को बहुत प्यारा लगा। हां, क्यों, मैं बहुत बहुत बार बोल चुका हूं, मैं आप देख लेना हमारे वीडियोस। गाने छोड़ के आप पर्सनली आप बहुत अच्छे लगते हो भाई, आप बहुत अच्छा अच्छा। बहु 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 वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, और आज है हमारे साथ द लेजेंड टोनी कक्कड़। ये कैसे हो भाई, मस्त। कैसे हमारे चैनल पे बहुत पॉपुलर सीरीज है जहाँ पे हम बहुत कमाल कमाल के गानों पे वीडियो बनाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ ये वीडियो बनाई जाए। तो आप रेडी हो? मजा आएगा, मजा आएगा, लेट्स डू इट। मैं लाया हूँ चूहा अपना, कहाँ है तेरी चुई। उई उई ठीक है, मैं चलता। ओके ओके, बाय, टाटा बाय, खत्म, गया। और बोलते हैं कि भाई आजकल के सॉन्ग में कोई मीनिंग नहीं होता, ये 90s का गाना है, क्या क्या इसका मीनिंग समझाइए आप मेरे को। निश्चय मुझे लगता था ना, तब आप लोग नहीं थे ना, इसलिए ये सब होता था। अभी तो आप दो दिन में रोस्ट वीडियो निकाल के ठीक कर देते हो। ये लोकी इतना डबल मीनिंग गाना है ना, कह रहा मुझ साइड तो नहीं जा रहे, हम चूहा ही समझ रहे हैं इसको, और हम इससे ज्यादा कुछ नहीं, बिकॉज हम तो सीधे बच्चे हैं। और ये कोई कम वियर्ड था इसके जैसा, एक और है। हम तो तंबू लगाए बे,
मेरे सारे पाप धुल चुके हैं मुझे। हम कहते हैं कि टोनी भैया आप अपने गानों में सेम वर्ड रिपीट करते हो। अभी आपको मैंने ये गाना सुनाया 20 सेकंड का, इसमें हम तो तंबू में बंबू लगाए बैठे हैं लिरिक्स थे। अब आपको लगता है आगे क्या लिरिक्स होंगे? वो देखना है, लेट्स सी लेट्स सी। तंबू लंबू में लंबू तंबू में बंबू लगाए तंबू लंबू में लंबू तंबू में बंबू लगाए बैठे हैं, बंबू तंबू लंबू लगाए बैठे हैं। यही है पूरा गाना, यही है चार मिनट तक ये लंबू तंबू। एंड देन पीपल पीपल क्या, मैं ही वो जो बोलता है कि टोनी भैया कैसा है दुरिया? अरे माधुरी कैसा मजबूरी है? अरे मजबूरी टोनी भैया बस एक सेकंड रुकना। अफसोस मुकेश बच नहीं सका। इससे याद आया टोनी भैया आपका भी गाना है। यस 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 यस। आजा मेरे कोल तू तनु कुट कुट जफिया। प्रमोशन है क्या यार? प्रमोशन यार क्या कर रहा है भाई? गुजारा राता मैं मुंडा शैतान तेरा कचता समान जदो राती दर्शन कीता सनु लीता ओ ओ ओ सनु लीता सनु लीता ओ ओ ओ सनु लीता। आपने बोला रात नु कीता तो कीता के साथ सेनो रीटा मैच हो गया, तो इसलिए रीटा कर दिया आपने। अगर मैं कीता की जगह किया वर्ड यूज करता तो आप क्या करते? सेनो रिया? वो सेनो रीटा की जगह नाम गाने का प्रिया होता था। प्रिया प्रिया रिया वो करेक्ट 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 करेक्ट। ये टैलेंट है। अच्छा प्रमोशन है ये तो। तेरे पीछे बाजार मेरा मीटर शॉट कंग फू से तो कांजा की चाल वान दाम जोंस ने अंडरटेकर रोल्स रॉयस ने सेट। ए भाई भाई ए ला 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 ये बोल रहा है के कुछ भी। मैं बहुत ध्यान से ऐसा सुन रहा हूँ, एक दुनी दो, दो दुनी चार और पता नहीं क्या गड्डी यार, अंडरटेकर जॉन सीना रोल्स रॉयस सारे वर्ड बोल दिए। मैं बना देता हूँ गाना। रेडी आप? यस। हियर इट गोज। आईफोन सैमसंग मैकबुक लेज डॉगी चश्मा पा लिया है मैंने, माइक अपना गा लिया है, मैं कुछ भी बोली जा रहा हूँ और गाना बन रहा है मेरे हाथ में, माउस और ये चल रहा है, कीबोर्ड में टक टक कर रहा हूँ और वीडियो में ये बना रहा हूँ और कुछ भी मैं बोलने जा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। I will be rap with Tony Kakkad in 2 minutes. Wow. यार टोनी भैया जस्ट बिकॉज आप मेरे साथ वीडियो बना रहे हो इसलिए नहीं बोल रहा, लेकिन गलत बात है। क्या हो गया भाई? इस बार आपने मीमेबल कंटेंट नहीं दिया। नहीं दिया? नहीं, यूजुअली आप सोच रहे हो कुछ ऐसी कुछ चीजें हो जाती है, कोई वर्ड हो जाते हैं, कुरी तो चॉकलेट है, लेड है, लेड है, लेड है, तो वो फिर मीम बन जाता है। इसमें मीम नहीं बनेंगे। मुझे अभी ना कहीं खुशी भी हो रही है सुन के वैसे, पर थोड़ा ऐसा हार्ट ब्रेक भी हो रहा है, लग रहा है कि लगता है मीम नहीं बनेंगे तो क्या है। टोनी भाई के गाने एक्चुअली मीम पे ही, मीम के ही वजह से और मीम्स के वजह से ही आया है, ये बात ध्यान में रख। क्योंकि गाने रिस्पेक्ट बट नहीं, स्ट्रेटजी ही वो होती है उनकी, रहती है ऐसे उनको क्या करने का भाई। इनके पास बहुत अच्छे अच्छी टीम है, इन्फ्लुएंसर समझो, टीम बहुत अच्छी है इनके पास, तभी ये सबको नचा नचा के गाना फेमस करवा देते हैं। चलो समझ रहे हो, हिट नहीं होगा क्या यार? अभी मैंने रिसेंटली ये भाई के पास और किंग के पास भी। हाँ बिल्कुल, देख जो मैं कुछ कुछ गाने हैं किंग के बहुत अच्छे, बट कुछ कुछ गाने खाली है इससे स्टार्ट चलाया गया है भाई, चलाए गए गाइस। अभी मेरे को पता है, पहले मेरे को लगता था यार पब्लिक ने पसंद किया। हाँ। नहीं, वो पब्लिक ने पसंद नहीं किया, वो करवाया गया है, ये चलता है अभी। सही बात है, ये मेरे को समझ में आया। इस पे हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे, डिटेल्स में बात करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है। चलो बताएंगे आपको कैसे होता है। मेहरबान बनाया, दुनिया सोए बनाया, उस पे कुछ मीम वीम बने ही नहीं तो यार हिट भी नहीं हो। तो अगर कहीं नहीं भाई, अच्छे गाने, ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो। आपने पहले ढिंचक पूजा के गाने सुने? सुने। आपका फेवरेट ढिंचक पूजा सॉन्ग कौन सा आज तक का? मेरा तो वो दिलों का शूटर है, मेरा स्कूटर है दिलों। हाँ, वो ही, वो ही, वो ही, वो ही। बचपन की घड़ी पॉकेट मनी से आई है, गुची की शर्ट तेरा सड़क का माल है, रीबॉक के शूज कहाँ कमाया जाल है। रीबॉक का शूज कहाँ कमाया जाल है? हाउ डज दैट इवन मेक एनी सेंस? ऐसे बात आई और मेरे सर के यूं करके यूं चली। Can you tell us how an induction motor starts?
गाड़ी तेरी लोन की भरेगा तू किस्त किस्त, जस्ट सो दैट ये पिछली लाइन से मैच कर सके, तो इसने किस्त को किस्त कर दिया। तेरी लोन की भरेगा तू किस्त किस्त, नहीं भरेगा तो आ जाएगा बैंक की ऑन द टॉप लिस्ट। टैक बैंक की ऑन द टॉप लिस्ट। अरे मुझे चक्कर आने लग गए, मेरा सर घूम चुका है। टोनी भैया का अगर सर घूम गया है तो समझ जाओ तुम। कूपन लगा के तू डिस्काउंट पाता है, पेट्रोल की गाड़ी में सीएनजी भरवाता है, मोबाइल भी तेरा साले दूर बाजार से आता है। ये लगता है ये पंचकुला वालों ने क्या करा है भाई, उन बेचारों को बिना बात के इसने धो दिया। बाप रे बाप, सारे पंचकुला वाले ऑफेंड हो गए चैट में। रोलेक्स की घड़ी तेरी नकली, अरमानी का सूट भी नकली नकली, झूठी तेरी स्माइल को सच्ची बना, तेरे स्टाइल को अच्छा बना, नकली इज्जत नहीं पैसा कमा, माँ बाप का नाम रोशन कर दिखा। आई थिंक ये मोटिवेशनल है बहुत ज्यादा, मेरे आंसू आ रहे हैं ऑनेस्टली, डिवाइन की याद आ गई है सबसे। ये भाई, तो कुछ भी बोलो, उसने लिरिक्स एक गाने में इतने लिख दिए जितने आपके 10 गानों में नहीं है। मानना पड़ेगा गुरुजी। लिटल स्टार वाई वंडर, बस इसके आगे का हम खुद गाएंगे, मैं बताता हूँ क्यों। पहला रीजन, ये जी म्यूजिक कंपनी का है, ये लोग कॉपीराइट क्लेम लगाने में बहुत तेज है, ऐसा स्पेशल देख के मेरे पीछे पड़ रखे हैं ये तो। और बाकी भाई राइम्स ही गा रहे हैं पूरे गाने में, हमें आती है तो। ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। अब हम लोगों ने वाइब क्यों किया मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये गाना जो पिक्चर है ना बच्चों के लिए बना, तो उस समय में लोगे तो बच्चों के लिए ठीक है ऐसा हो गया वो, क्योंकि लेते जैसा गाना जो है वैसे लेना पड़ता है। और जैसे टोनी भाई ने जो दो गाने बताए थे जो फेमस नहीं हुए, ऐसा भाई ने बोला, क्योंकि वो अच्छे गाने भाई, अच्छे गाने, मेरे को प्यारे गाने थे वो गाने, बहुत प्यारे लिरिक्स है, बहुत प्यारे कंपोजिशन है, अच्छा म्यूजिक दिया आपने, इसलिए क्यों सुनेंगे पब्लिक, अच्छा है ना, अच्छे अच्छा अच्छे गाने ना, इसलिए मीम मटेरियल दोगे तो सुनेगी पब्लिक। मैंने बोला भाई के हमने वो गाना रिव्यू गाने बोला है हमने, ये बात मेरे हम ऐसे गाना है ना, ऐसे एक दो गाने इतने प्यारे है भाई के, ये सही में हमने बहुत मतलब गाने रिव्यू किए, बहुत तारीफ किया है यार, तो nice, मतलब बढ़िया है यार टोनी भाई। ये भाई अभी परफॉर्म करके गए ना इधर, हाँ अभी तो दुबई में शायद कहीं तो, हाँ इधर तो अभी दुबई में आए थे भाई, तो परफॉर्म करके गए हैं। चलो आगे सुनते हैं। Above the world so high, the world is like a diamond in the sky. इतना चट्टू बट्टू, let's dance छोटू मट्टू। अच्छा अब इसके बाद twinkle twinkle हो गई, तो अब अगली राइम कौन सी है? हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल, हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल, क्योंकि इसके आगे मेरे को ये राइम नहीं आती। क्योंकि अगर देखो एक बात सोचा जाए तो देवी श्री प्रसाद से अपन फिर ऐसा गाना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट उनको कॉन्सेप्ट दिया होगा बिल्कुल कि भाई बच्चों का, तो ऐसा दिया एकदम बेसिक और बकवास वाला गाना टाइप का बना दिया है, क्योंकि बच्चों का गाना है ना बिल्कुल। तो देवी श्री प्रसाद का क्या म्यूजिक है यार, कितने सारे गाने, वही तो। पर एंड में ना उन्होंने बहुत अच्छा बिल्डअप किया था म्यूजिक में। ये गाने की बात कर रहे हैं, लिरिक्स तो हमने लिरिक्स के बारे में रिव्यू देख लो पता चल जाएगा, बट हमने वाइब किया क्योंकि म्यूजिक म्यूजिक के बारे में भी बोला हमने, बट एंड में अच्छा लगा अपने को गाना। चला गाने मैं भी हिंदी मीडियम वाला हूँ ना, तो ये हम्प्टी डम्प्टी नहीं आता था। हाँ हमें हम्प्टी डम्प्टी नहीं आती थी हमें यार। फिर इसके बाद कौन सी राइम है? Mary had a little lamb, ये राइमे है तीन चार और वो सुना रखी है। ये आती है मेरे को पूरी, eating sugar no papa, open your mouth telling lies, अरे open your mouth। मैं ना थिएटर में मूवी देखने गया था, ठीक है। अच्छा देखी मूवी, देख ली मैंने, ठीक है मूवी कैसी है वो हम बात ही नहीं करेंगे। Then this song started and I was like ये सॉन्ग पे नाच रहे हैं। पोगो टीवी आपका कोको मेलन वो यूट्यूब जो चैनल है वो वाले काम कर रहे हैं सलू भाई, ये देश को पढ़ा रहे हैं ना वो एक तरीके से, छोटे छोटे बच्चे जो है दो दो साल के वो सीखेंगे यहीं से नर्सरी राइम्स। आज से पोगो टीवी बंद, एलकेजी यूकेजी में बच्चों का जाना बंद, कोको मेलन टीवी देखना बंद, नाउ ओनली दिस सॉन्ग, इतना डबू डबू लेट्स डांस छोटू मोटू। अच्छा ओके ओके, आई वांना लव यू एवरी डे,
संडे मॉर्निंग को भी प्यार करेगा, मंडे मॉर्निंग को भी प्यार करेगा, ये हर जो भी वो गिटार मस्त यूज किया था। संडे मॉर्निंग को भी प्यार करेगा, मंडे मॉर्निंग को भी प्यार करेगा, ये हर दिन प्यार करेगा। आगे के लिरिक्स मैं बताता हूँ क्या होगा। ट्यूसडे मॉर्निंग लव यू, वेडनेसडे मॉर्निंग लव यू, थर्सडे मॉर्निंग लव यू, फ्राइडे मॉर्निंग भी लव यू, सैटरडे मॉर्निंग भी आई लव यू, और शायद क्या पता संडे को छुट्टी लूंगा ऐसा कुछ। फिर भाई थकेगा नहीं। आपने ये देखा ये ग्रीन स्क्रीन पे जो पीछे लड़कियां चला रखी है। भाई इसकी वीडियो में कोई इंसान आना ही नहीं चाहता था, इसने ग्रीन स्क्रीन से इंटरनेट से निकाली हुई लड़कियां डाली हुई। जानना है आगे क्या होगा, आगे के लिरिक्स। लेडी यू आर अट्रैक्टिव, भाई साहब का तरीका देखा है आपने, लेडी यू आर अट्रैक्टिव, लेडी यू आर अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव। कैमरा के अंदर घुस के कौन सा अट्रैक्शन हो रहा है भाई साहब। और ये लिरिक्स को जो इन्होंने अपने खुद के हिसाब से मोल्ड किया है ना, अट्रैक्टिव, ये बिल्कुल आपके वाले गाने की याद आ गई। सेन्योरिटा। मेरे को एक दो जन्म लेने पड़ेंगे इस लेवल तक पहुंचने के लिए। बेस्ट पार्ट है भाई साहब के गाने की, जो पीछे ग्रीन स्क्रीन पे इन्होंने ये चुम्मे के जो लगा रखे है ना। अरे सच में यही लिरिक्स है। वाओ, वो तो है। वेडनेसडे मॉर्निंग लव यू, आई वांना लव यू एवरी डे। अरे तू भाई वॉशरूम में बैठा है, ये कौन सा लव हो रहा है भाई, कैमरा के अंदर घुस के आए वांना लव एवरी डे, ये कौन सा लव हो रहा है। डर जाएगी भाई बेचारी, प्यार नहीं करेगी, ब्लॉक ब्लॉक कर देगी। Anyways guys, I hope you guys enjoyed this video and thank you so much Tony bhaiya. Thank you brother. बहुत time से मैं सोच रहा था कि ऐसी एक video बनाएंगे और आप आए, thank you so much for joining us. मजा आ गया. और एक बात बोलूँ मैं सीधा आपको, भाई का promotion, भाई के song का भी promotion बढ़िया कर दिया। इसके पहले भी वो promotion था, भाई promotion पे promotion डाल रहे हैं, बट हाँ अच्छी बात है, content देखा था तो मजा ही आया, content मजा आया पर बीच में promotion घुसेड़ दिया बढ़िया। बिल्कुल, तो भाई का जो कंटेंट राइटर है वो उसने भी मस्त दे दिया। वो अभी म्यूजिकल लिखा था तो मतलब चलो देखते हैं क्या है, तो चलो देखा, मजा आ गया, वीडियो मजा आया, दफन था, बोर नहीं था, फन था, बढ़िया बढ़िया। बट मैं चाहता हूँ कि आपको और भी कौन से वीडियो चाहिए जरूर बताओ, और प्लीज नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है तो नए पब्लिक को भी पता चलेगा, और नए हो तो चैनल को शेयर कर देना तो नए पब्लिक को भी पता चलेगा। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो। जय हिंद, जय भारत। Na 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 na